के लिए शो हो रही है मुझे। ये कोड है और ये उसका आउटपुट है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपने वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखे थे? मैंने अपलोड कर दिए थे। हाँ जी, मुझे लिंक मिल गया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। वो लेक्चर क्लासरूम से डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है ना? वो यूट्यूब पर है। अच्छा, मुझे वो यूट्यूब पर ही है। ठीक है, सही है। YouTube पे ये कि वो अपलोड हुए रहते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। चले, अगर वो सेंड किसी तरह हो सके तो ज्यादा बेटर है, लोकल कॉपी पड़ी जाए तो। हां ठीक है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। जरूर, अपना चैनल है? जी जी, मेरा अपना चैनल है, उस पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे लैंग्वेजेस पे हैं, वर्डप्रेस है और बहुत सारे क्लासेस उसमें हैं। अच्छा, दैट्स गुड। क्या नाम है उस चैनल का? लीडर्स माइंड के नाम से। लीडर्स माइंड। जी, लीडर्स माइंड। ये सबसे पहले वाला? नहीं, लीडर्स माइंड आप लिखें, एंटर प्रेस करें। हाँ जी, किया मैंने। ये मेरे पास थोड़ा लैग हो रही है आपकी स्क्रीन। पोस्ट ट्रॉफी एस है। ये वाला मेरे पास लैग। हाँ, यही वाला है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये अच्छा किया बता रही हूँ। ये नीचे देखें, ये सारे जेंगो के आ रहे हैं, कोर्सेज वेब डेवलपमेंट के हैं और मल्टीपल कोर्सेज। मैं देख लूंगा इसे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कर लिया था, ULLI हमारे पास हो गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें CSS को भी ऐड करेंगे, यानी कि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को HTML के साथ लिंक करके हम दोनों चीजों को अब साथ साथ लेके चलेंगे। सही। अब एक चीज सर, आई थिंक कल मैं पूछना भूल गया था। जी जी। हम अपने इस क्लास में कहीं ना कहीं गिट को कवर कर रहे हैं, अगेन इंट्रोडक्शन लेवल पे, या गिट रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं या नहीं? गिट कर नहीं रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि गिट पे किस तरह से अपलोड किया जाता है और उसको किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। शो हो गई आपको मेरी स्क्रीन? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी, अभी लोड हुई है। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है वो CSS को भी साथ मिला के यूज करेंगे, और सबसे पहले मैं आ जाता हूँ पे, आके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पे आके क्रिएट कर लेता हूँ आपके बैच के नाम से, क्रिएट कर लेते हैं, आपका बैच है 300SS। ठीक है जी, आप अपने बैच की आईडी भी लिखेंगे यूट्यूब पे, तब भी आपको वीडियोस आपके बैच की मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आके फाइल ओपन फोल्डर, और यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे आके बैच 300SS है हमारे पास, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने न्यू फाइल क्रिएट की index.html, और यहाँ पे आके HTML5 मैंने सेलेक्ट किया। HTML5 सेलेक्ट करने के बाद H1 में आके मैंने बॉडी में आके मैंने H1 लिखा और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि जी, हमने आज आपने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, लेकिन हमने कल भी एक फोल्डर क्रिएट किया था, उसमें हमने index.html की फाइल हमने रखी, एक फाइल रखी थी हमने जी।
जैसे मैंने कल उसी फोल्डर के अंदर HTML की फाइल पे जो शुरू की प्रैक्टिस थी, फिर मैंने उसी फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई task1.html जो मैंने आपको दिखाई कि मैंने काम किया, उसी के अंदर मैं अब एक नई फाइल बनाता हूँ task2.html instead of making new folder or new index.html. तो ये फिर जो फाइल बन रही है उसमें index.html और बाकी फाइल में क्या फर्क रहेगा? बाकी फाइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, index.html सिर्फ ऑटो कॉल होती है, जब आप फोल्डर का नाम कॉल करेंगे तो इंडेक्स की फाइल कॉल हो जाएगी, बाकी आप उस तरह से बनाए तब भी ठीक है, आप न्यू फोल्डर बना के बनाए तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको CSS के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे पास जो है वो 3 types of CSS हैं, देयर आर 3 types type of CSS, और मेरे पास there are 3 types of CSS. number 1 मेरे पास है inline CSS, number 2 मेरे पास है on page CSS, और number 3 मेरे पास है off page CSS. ठीक है, इसको मैं external CSS भी कहता हूँ और इसको जो है वो internal CSS भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं ये ऑफ पेज जो CSS है ये प्रोफेशनल तरीका है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये CSS यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपको इन CSS के बारे में भी बता दूंगा ताकि आपको नॉलेज हो। ठीक है, कभी कभार कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाती है ये भी आजकल। ठीक है, सबसे पहले हम इनलाइन CSS करेंगे। मैं यहाँ पे आके कमेंट दे रहा हूँ। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर आके मैं कमेंट दे दूंगा तो मेरे पास वो चीज़ एज अ लेबल लिखी रहेगी लेकिन वो शो नहीं होगी। तो वो किस तरह दिया जाता है? आप सिंपली Ctrl/ प्रेस करेंगे तो आपके पास ग्रीन सिंबल्स आ जाएंगे इस तरह के, और इसमें आके आप लिख दें inline CSS। अब मेरे पास ये जो inline CSS लिखा हुआ है ये मेरे पास वेबसाइट पे शो नहीं होगा, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे एज अ लेबल मुझे याद रखने के लिए यहाँ पे ये लिखा रहेगा, और यहाँ पे आके मैंने इसको देखा Ctrl+/। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब जो स्टाइल CSS स्टार्ट होता है वो स्टाइल के टैग से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ के स्टाइल का टैग दिया, स्टाइल का टैग देने के बाद मैंने कलर रेड कर दिया इसका। कलर रेड करने के बाद हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, अपने फोल्डर में आते हैं, फोल्डर में आके index.html की फाइल को व्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रेड कलर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने कोड में, और यहाँ पर आके हम H2 करते हैं। H2 करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Omni Academy, और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे आके इसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन। सेव किया, सेव करने के बाद हम वापस अपनी फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे आके इसको रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे ओमनी एकेडमी मेरे पास ग्रीन हो गया। अच्छा, मेरे पास पेज को छोटे छोटे डिविजन्स में तोड़ने के लिए मेरे पास जो टैग यूज होता है उसको मैं डिव कहता हूँ, उसको डिव कहा जाता है। डिव मेरे पास क्या करता है? एक पेज को छोटे छोटे डिविजन्स में तोड़ देता है। यानी कि अभी तो डिव कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन इसको जब तक CSS जब दी जाती है तब ये काम करता है। मैंने यहाँ के स्टाइल दिया, स्टाइल देने के बाद मैंने इसको हाइट दे दी, हाइट मैंने इसको दे दी 200px। फिर सेमी कॉलन के मैं बाहर आया, उसके बाद मैंने इसको विड्थ दे दी, विड्थ मैंने दे दी 200px, और फिर मैं सेमी कॉलन के बाद बाहर आया और मैंने यहाँ पे आके इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर, जो कि मैंने दे दिया रेड। रेड देने के बाद मैं अब आके अपने पेज पे रिलोड करता हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। तो जो भी काम इन फ्यूचर हम करेंगे, हम अलग अलग डिविजन बनाएंगे और उसमें हम काम करेंगे। क्लियर है? सर ये सो
मैं जब स्टाइल लिख रहा हूँ या कलर लिख रहा हूँ या रेड टाइप कर रहा हूँ, अब आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही, उसकी रीजन ये है कि उसकी क्या रीजन होगी? कंट्रोल स्पेस बार आपने प्रेस करना है लिखने के बाद, आपके पास सजेशंस आ जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी कोई इशू होगा मैं वो रिजॉल्व करूँगा। नहीं जी, अब नजर आ रही है। ठीक है, स्टाइल यहाँ नहीं लिखना, आपने H1 के अंदर स्टाइल लिखना है, बिल्कुल अंदर यहाँ पर स्पेस दें, बिल्कुल यहाँ पे आगे स्टाइल लिखें आप, एंटर प्रेस करें। कलर, कलर COLO, हाँ एंटर प्रेस कर दें, रेड लिखें, सेव करें। ठीक है, ये रेड हो चुके हैं। अब इसी तरह आपने H2 को क्लीन करना है, उसके बाद फिर आप टेप पे काम करेंगे। अभी करें H2 लिखें, ठीक है H1 हो गया, बस डिप पे करें, फिर मैं आगे लिखता हूँ। डिप के भी अंदर लिखना? डिप के भी अंदर, नहीं डिप के भी अंदर लिखना। ठीक है, नहीं पहले आपने हाइट देनी है, हाइट देनी है पहले आपने, हाइट विड्थ भी देनी है, इसके बाद दे दें, इसके बाद दे दें, हाँ इसके बाद दे दें, सेमी कॉलन के बाद दे दें। एंड हाइट सेंटीमीटर में रहती है या नहीं? PX में रहती है, PX स्टैंड फॉर पिक्सल्स। ओके, सो अगर मैं 10 पिक्सल करूं और 10 PX, PX हाँ पिक्स भी ओके, PX दे और सेमी कॉलन के बाद विड्थ आएगी, इनके कोई भी पैरामीटर में पास करेंगे उसके बाद सेमी कॉलन देगी, उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर। एक मिनट मुझे देखने दे, सेव करें इसको, व्यू करें। रिफ्रेश करें, F5। F5 क्लिक की, रिफ्रेश करें, वो रिफ्रेश का आपका ऑप्शन बना हुआ, उसको क्लिक करके चेक करें। जी जी, काफी दबा दिया है, F5 क्लिक किया और अच्छा दिखाएगा, पैरामीटर्स दिखाएगा।
अच्छा इसको 10 की जगह 100 px करें सर, 10 बहुत छोटा हो जाता है, 100 px करें और width भी 100 px करें। अच्छा कलर बाद में दें, कलर लास्ट में आगे दें। कलर को कट कर दें, हाँ लास्ट में आके दें। नहीं आपने कॉलन भी कट कर दी, कॉलन वो कोटेशन मिटा दिया आपने। ठीक है सेव करें, अब व्यू कर। इसको एक दफा फाइल में जाके फिर से इसको, अच्छा एक मिनट, कंट्रोल F5 प्रेस करें। नहीं हुआ, ठीक है आप फाइल में जाके एक दफा इसको फिर से रन करें। नहीं आप फोल्डर में जाके अपने आपका जो फोल्डर बना हुआ है ये चलना चाहिए, इसमें कोई वो एरर है ही नहीं। ये फोल्डर लास्ट टू डबल क्लिक करें, इसको मैं डबल क्लिक किया तो क्यों नहीं चल रहा। ठीक है आप उसमें आए कोड में, वीएस कोड में रीन हाइट विड्थ ये आपकी स्क्रीन की एक्सेस मिल सकती है मुझे, मैं इसमें टाइप करके अगर आप देंगे मुझे एक्सेस ना। जी मैं देता हूँ। जहाँ पे आपकी ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है उसके ऊपर आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा मास्क का कंट्रोल और इस तरह की कोई वर्ड आ रहा होगा। मेरे पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको उसमें अपलोड उसमें रन किया हुआ है ब्राउजर में। अच्छा मैं इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा मैं इसको उसमें रन करूं, एक मिनट दे मैं इसको जो है वो उसमें रन करता हूं। मैं ये या मैं आपको कोड चैट में सेंड करता हूँ, आप इस कोड को पेस्ट करके चेक करें। हाँ हाँ जी मुझे कोड चैट में सेंड। ये मैंने आपको वेरी गुड मैंने सेंड कर दिया, आप इसको पेस्ट करें, कॉपी करके पेस्ट करें। मैं पता चल गया एरर क्या है, कलर नहीं लिखना है बैकग्राउंड कलर लिखना है, कलर टेक्स्ट के लिए यूज होता है। ओके मैंने आपका देखा ही है तो मैंने उसकी नोटिस किया लिखा। ठीक है सेव करें, अब हो गया। ठीक है ये हो गया। ठीक है ग्रेट, बहुत अच्छा जा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। में आ जाते हैं। अच्छा तो हम आज ऐसा करते हैं, आज हम जो है वो एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर हम लोग कुछ लिखते भी हैं और इसके साथ साथ मैंने इनलाइन सीएसएस का तो आपको बता दिया, उसके बाद हम ऑन पेज सीएसएस भी आज ही स्टार्ट करेंगे, ऑफ पेज सीएसएस आज स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है
तो मैंने यहाँ पे आके एक डिव बना दिए। अब ऑन पेज सीएसएस में क्या होता है, मुझे नजर नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा मैं चेक कर देता हूँ, अब शो हो रही आई थी बट हाँ जी अब आ रही, अब आ गई। ठीक है, तो इस div को जो है वो मैं हटा देखें। अच्छा, जो ऑन पेज सी एस एस होती है वो किसी नेम के थ्रू कॉल की जाती है, नेम के थ्रू या क्लास के थ्रू। ठीक है, तो टाइटल के नीचे आके स्टाइल का टैग दिया जाता है। ठीक है, टाइटल के बिल्कुल नीचे आके मैं स्टाइल का टैग दूंगा, तो स्टाइल का टैग मेरे पास आ गया। अब इसमें मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, विद डॉट। अगर मैं डॉट लिखूंगा तो मुझे नीचे क्लास से उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। मैंने लिखा डॉट ए बी सी, कुछ भी लिख सकता हूँ, ए बी सी लिखा और उसमें आगे मैंने इसको हाइट दे दी, हाइट दे दी मैंने 100px, मैंने इसको विड्थ दे दी 100px और मैंने यहाँ पे आके इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ठीक है जी, रेड देने के बाद अब मुझे ये स्टाइल यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिंपल जहां भी मुझे हाइट 100px करनी है, विड्थ 100px करनी है और बैकग्राउंड कलर रेड करना है, जहां भी करना है तो वहां पे मैं सिंपल आके क्लास लिखूंगा और क्लास में आके ये नेम कॉल कर लूंगा ए बी सी। ठीक है, क्लास की जगह जो है वो डॉट यूज हो रहा है मेरे पास, यानी कि ये क्लास से क्लास की जगह मेरे पास डॉट यूज हो रहा है। इसको इस तरह कर सकते हैं कि क्लास इज इक्वल्स टू ए बी सी, तो मैथ में जैसे होता है ना क्लास डॉट में कन्वर्ट हो जाती है और ए बी सी एज इट इज आ गया। क्लियर, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से क्लास कॉल की और ये मेरे पास राइट कॉल किया मैंने और यहाँ पे आके हम इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिए मेरे पास रेड बॉक्स आ गया। इसी तरह से मैं एक और डिव में जा रहा हूँ, डिव बनाया और मैं यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ डॉट के नाम से बना लेते हैं और यहाँ पे आके मैंने इसको हाइट दे दी कि भाई इसकी हाइट होनी चाहिए 200px और इसकी विड्थ होनी चाहिए 200px और इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ग्रीन। ठीक है जी, और यहाँ पे आके सिंपल क्या करना है, क्लास और क्या कॉल करूंगा के। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास ग्रीन बॉक्स एक शो होगा, नहीं हो रहा ये मैंने सेव नहीं किया और यहाँ पे आके ये देखिए शो। नहीं, आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ आके डॉट ए बनाया और इसका कलर मैंने कलर रेड रख दिया। ठीक है, रेड रख दिया या मैंने इसको पिंक कर दिया। पिंक करने के बाद अब ये स्टाइल की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ आई क्लास कॉल की ए। ठीक है, ए कॉल की तो हेलो वर्ल्ड मेरे पास पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें आप स्क्रीन शो करके। Thank you.
जी जी जब आपने ये ब्रैकेट्स जब आपने ये क्लास जब आपने क्लास लिखा तो ब्रैकेट आपने डालनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल करली ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगे आप। करली ब्रैकेट डालना क्योंकि एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी विजुअल स्टूडियो पे कि वो ऑटो फिल कर रहा था, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो फिल नहीं हुई तो शायद नहीं होगी। देखो बिल गेट्स ने कहा था कि मुझे जो है लेजी बंदे बहुत पसंद हैं क्योंकि लेजी बंदे अपना जो है ना काम आसानी से करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तो बहुत लेजी होते हैं। मैं भी बहुत लेजी हूँ तो मैं जो है बिल्कुल यानी कि मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, सिंपल हिंट मिल जाए बस इंटर किया हो गया काम। इसमें टाइम भी बचता है आपका प्लस आपका काम भी जल्दी हो जाता है और आपको बहुत सी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती हैं। आपने सिंपल उसका फुल फॉर्म याद रख वो एक वर्ड शुरू का याद रख लिया और फिर आपको सजेशन मिल जाती है, आप एंटर कर देते हो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ब्रैकेट आपने क्लोज नहीं किया हुआ सी वन का। ठीक है इसके साथ आई थिंक 300 PX लगाना लाजमी है। बिल्कुल PX लगाना लाजमी है। हाँ बिल्कुल ये एक दो दफा आ गया, एक मेरे मुंह का अंदर अंदर आएगी क्लास। सॉरी and that's
सॉरी कलर नहीं है, बैकग्राउंड कलर था यहाँ पे। ठीक है जी, गुड। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। ठीक है, जी मैं आ जाता हूँ पेंट पे। मैं आगे करा सकता हूँ, लेकिन आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि फिर वो इसमें अब थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। ठीक है, नहीं समझना नहीं, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ गई, ये आपका पेज है। ठीक है, ये आपने टास्क मुझे पहले अगली क्लास में चेक कराना है। आपकी स्क्रीन अभी लोड नहीं हुई। हो गई ये लोड? नहीं अभी तक नहीं। दोबारा से शेयर करें। ठीक है, मैं पेंट पे आ गया हूँ और पेंट पे मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो आपने ये मुझे डिजाइन करके नेक्स्ट क्लास में दिखा दे। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे पास एक हेडिंग होगी, ठीक है, और पैराग्राफ होगा, और इसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए, पूरा बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे हेडिंग होगी और यहाँ पे पैराग्राफ होगा और यूएल होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। यहाँ पे हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा जो कि पूरा पैराग्राफ जो है मेरे पास इटैलिक होगा, और यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में जो है वो एक एक मेरे पास लाइन आएगी, एक एक पूरी लाइन जो के पेज ब्रेक कर रही है। ठीक है, और ये मेरे पास ग्रीन होगा, ये मेरे पास वाइट, क्या ऐसा करें इसको कर दें फुल ब्लैक, और ये टेक्स्ट जो होगा ना टेक्स्ट वाइट कलर में होगा सबका, और ये मेरे पास स्काई ब्लू। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये आपने टास्क बनाया है, बहुत ही आसान टास्क है, 5-10 मिनट का काम है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन लगेंगे आपको, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि ये रेड, मुझे मतलब कॉन्सेप्ट पता लग गया, लेकिन ये रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, ये डिव है, ये डिव है बिल्कुल डिव के कलर, अगर डिव के अंदर मैंने लिखना है कुछ, तो उसके अंदर पैराग्राफ सिर्फ डिव के अंदर डालूंगा मैं? हाँ, डिव के अंदर आके आपने हेडिंग देनी है, ये देखें इस तरह से, ये मेरे पास डिव है। ठीक है, इस डिव के बीच में आ गया मैं, अब यहाँ पे आके मैंने H1 लिख दिया। ठीक है, H1 लिखने के बाद मैंने यहाँ हेडिंग लिख दी, हेडिंग 1। ठीक है, यहाँ आके P का टैग दे दिया, और यहाँ आके मैंने पैराग्राफ, जो भी मैंने, ठीक हो। ठीक है, तो इसी तरह ये इसमें आ रहा होगा, यहाँ आ गए और ये इसी तरह इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरे पेज पे आपका आना चाहिए, ये पूरे पेज पे आना चाहिए, पूरे पेज पे आना चाहिए। उसकी कोई बेस्ट पीएक्स वैल्यू है, ऑटो फेड या ये आप इसको देखें, आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो एक, हम जो जब परसेंटेज में करेंगे तो उसमें जो मैं परसेंटेज दूंगा वही आप देंगे, तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है।
लेकिन PX में ना मेरा पीसी जो है वो 1550 PX लेता है। अब आप 1500 डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर वो थोड़ा छोटा बन रहा हो तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं ताकि हम ज्यादा ना वो करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले सैटरडे संडे इंशाल्लाह। ये वैसे हमारा कोर्स थोड़ा सा which I'm happy with, के थोड़ा आसान चले लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, because अभी तो ये एक लैंग्वेज का सिर्फ स्टार्ट है, so obviously ये भी लोग हाँ बिल्कुल सारा सफर बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसमें इंशाल्लाह ताला CSS के साथ साथ ना हम लोग, मैं एक एक लैंग्वेज मिलाता जाऊंगा। अब देखें जैसे मैंने CSS मिला दी, अब HTML CSS साथ चल रही है, फिर थोड़ा सा आप CSS में फ्लुएंट हो जाएंगे ना, फिर मैं बूटस्ट्रैप भी मिला दूंगा इसमें, फिर हम उन तीनों लैंग्वेजेस को साथ लेके चल रहे होंगे। बूटस्ट्रैप तो इतनी आसान है कि आप एक वर्ड लिखेंगे पूरा कोड आ जाएगा, दूसरा वर्ड लिखेंगे पूरा कोड आ जाएगा, इतना इतना यानी कि VS कोड ने बहुत आसान कर दिया। अब नेविगेशन के बाद ये सिर्फ एन ए वी लिखेंगे, इंटर करेंगे, नेविगेशन बार पूरी बन जाएगी, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो चीजें आसानी से होती जाएंगी। फिर मैं जावास्क्रिप्ट ऐड कर दूंगा, फिर उसमें हम लोग टेम्पलेट बना के उसको जेंगो पे कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरह से हमारा कोर्स फ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Thank you. Okay, love is.